हाई गाइज, दिस जुडिथ हियर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ मेरा 1 month एक्सपीरियंस विथ डी मिलान क्रीम। मैंने इस क्रीम को 1 month के लिए ट्राई और टेस्ट कर देखा है और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मुझे 1 month में इस क्रीम के संग क्या रिजल्ट मिला है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपकी स्किन का क्या प्रॉब्लम है, जब आपको ये क्रीम यूज करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वो रेड बटन को प्रेस करना बिल्कुल फ्री है। फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि डी मिलान क्रीम एक स्टेरॉइड फ्री क्रीम है, इसके अंदर कोई स्टेरॉइड और हार्श नहीं होती है ये इतनी क्रीम। एंड इसके जो मेन की इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर 10% ग्लाइकोलिक एसिड है, 5% ब्यूटेन है एंड 2% इसके अंदर कोजिक एसिड है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन को लाइटन अप और ब्राइटन अप करने में हेल्प करते हैं। ये क्रीम उन लोगों को यूज करना चाहिए जिसको पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, जिसको एक्ने के स्कार्स और मार्क्स रह जाते हैं, वो भी इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। अब मैंने जब इसको यूज करना स्टार्ट करा तो मैंने इसको 1 month से ज्यादा यूज करा है, मीन्स मैंने इसे 1.5 महीना यूज करा है और ये ऑलमोस्ट अब फिनिश होने वाली है क्रीम। नाउ मैंने जब स्टार्टिंग में 1 week के लिए इसको यूज करा तो मैंने ऑल्टरनेट डेज पे इसको यूज करना स्टार्ट करा, एक दिन छोड़ एक दिन ऐसे गैप में, लेकिन मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, ना ईचिंग हुआ, ना रेडनेस हुआ, ना ड्राइनेस फील हुई, ना मेरे को इवन मुझे कोई पीलिंग भी नहीं हुई है मेरी स्किन के ऊपर। और 1 week के बाद फिर मैंने इसको कंटिन्यूसली डेली नाइट टाइम में यूज करना स्टार्ट कर दिया। एज सच मैं हमेशा बताती हूँ कि मेडिकेटेड क्रीम को आपको नाइट में यूज करना चाहिए, तो मैंने भी इस क्रीम को नाइट में ही यूज करा है। मॉर्निंग में आपकी स्किन पे आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे, सनस्क्रीन लगाना इज मस्ट अगर आप किसी भी मेडिकेटेड क्रीम यूज कर रहे हैं। इवन इस पे भी मेंशन किया गया है कि अगर आप इस क्रीम को यूज कर रहे हैं तो डे टाइम पे आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। मुझे मेरी स्किन पे कोई भी पीलिंग नजर नहीं आई है और मुझे मतलब 1 महीने तक के मुझे कुछ ऐसा ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखा मेरी स्किन के ऊपर। जैसा मेरा स्किन टोन है वैसा ही था। मैंने इस क्रीम को इसलिए ट्राई करा था क्योंकि मेरा जो चिन एरिया रहता है उस पर डिसकलरेशन की प्रॉब्लम है मुझे हमेशा, मतलब मेरा जो पूरा फेस रहता है उस जो चिन एरिया रहता है वो हमेशा थोड़ा सा डार्क रहता है, इसलिए मैंने इसको ट्राई और टेस्ट करके देखा और सोचा कि मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के संग शेयर भी कर पाऊंगी। लेकिन 1 month के यूज करने के बाद जब मेरे को अभी इसको 1.5 महीना हो गया यूज करते हुए, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी मुझे बिल्कुल 100% चेंज नजर आया मेरी स्किन पे, लेकिन हाँ मुझे मेरी स्किन के टेक्सचर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर नजर आया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप डी मिलान क्रीम यूज कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी को 1 महीने में रिजल्ट मिलता है, किसी को 2 या 3 महीने में भी रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये क्रीम बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा देती है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कम से कम आपको मिनिमम ये तो समझ कर रखना है कि 1 month के लिए तो आपको इसको यूज करना ही है। उसके बाद अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप इसे 2-3 months के लिए कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, जब तक आपकी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए। इस क्रीम की MRP की बात करूं तो ये मुझे 415 में ऑनलाइन मिल गई थी। मैं इस क्रीम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद डी मिलान क्रीम। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी रीजन से हेल्पफुल लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।